हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनालिटिकल गाय। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इफेक्टिव कवरेज आउटलेट ईको की बात करेंगे। ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में आता है कॉन्सेप्ट। जनरली इस कॉन्सेप्ट से हम इवेल्युएट करते हैं परफॉर्मेंस सेल्स ऑफिसर की, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मानो दिल्ली में एक मार्केट है जहाँ पर आपको समझना है कितने आउटलेट हैं, उनमें से कितने आउटलेट्स प्रोडक्टिव हैं और कितनी हमारी कवरेज है। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब आपके कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आपकी जो इन डेप्थ है आउटलेट्स में वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इको समझना है। इको की गूगल डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो इट इज़ अ मेट्रिक दैट डिफाइंस द नंबर ऑफ आउटलेट्स out of total number of outlets on a route, market or territory that are making at least one sales memo per month. So point is, अगर आपका जो outlet है उसकी कम से कम एक sales memo बन रही है पूरे महीने में, 30 दिन है, 30 दिन में से एक भी दिन bill बन गया, तो वो हमारा हो गया productive outlet। उसको हम बोलते हैं build outlet। तो जितने भी हमारे बिल्ड आउटलेट हैं उस महीने के, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ आउटलेट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो इको आ जाएगा। सिंपल। और इको हमारा डिफाइन मोस्टली परसेंटेजेस में होता है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हमने इको जान लिया, डेफिनेशन जान ली है। अब हम थोड़े से बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो एफएमसीजी में यूज होते हैं वो जानेंगे, जिससे कि हमें इको और अच्छी तरह समझ आए। तो सबसे पहले हमें जानना है बीट प्लान क्या होती है, फिर आउटलेट बेस क्या होता है, एक्टिव आउटलेट्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, एंड बिल्ड आउटलेट्स एंड अनबिल्ड आउटलेट्स। सो पहले हम बीट प्लान समझेंगे। सेल्स बीट प्लान, इसको हम पीजेपी भी बोलते हैं, परमानेंट जर्नी प्लान। ये एक डे लेवल सेल्स रूट प्लान होता है। सेल्स जो भी फील्ड पे सेल्स ऑफिसर सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है उसके लिए बनता है। जब भी वो कोई एक पर्टिकुलर रूट पकड़ता है उसमें कितने आउटलेट्स होते हैं, मानो 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, जितने भी हैं उनको मिला के एक पर्टिकुलर रूट बनता है, उसको हम बीट प्लान बोलते हैं। फिर आते हैं आउटलेट बेस पे। आउटलेट बेस बहुत ईजी है, वो है जितने भी नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं बीट में, उसको आउटलेट बेस बोल देंगे। एक्टिव आउटलेट्स क्या होते हैं? एक्टिव आउटलेट्स वो होते हैं जिनकी बिलिंग कम से कम एक बार हुई हो पिछले 3 महीनों में। एक बार भी हो जाएगी तो उसको एक्टिव आउटलेट बोल देंगे। अगर पिछले 3 महीनों में एक भी बिल नहीं बना, उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव आउटलेट। अब आते हैं बिल्ड और अनबिल्ड आउटलेट्स। बिल्ड आउटलेट होता है जो आउटलेट कम से कम एक बार उस पर्टिकुलर पीरियड में या उस महीने में बिल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी महीना चल रहा है सितंबर, तो इस महीने में अगर एक बार भी बिल हुआ होगा उस आउटलेट का, तो उसको बिल्ड आउटलेट बोलेंगे। एक्टिव आउटलेट होता है कि सितंबर से जो 3 महीने पहले गए हैं, उन 3 महीनों में अगर एक भी बिलिंग हुई है तो उसको एक्टिव आउटलेट बोलते हैं। और अब अनबिल्ड आउटलेट हुआ, जो अगर सितंबर में एक बार भी बिलिंग नहीं हुई उस आउटलेट की, तो उसको अनबिल्ड आउटलेट बोलेंगे। तो अब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है, आउटलेट बेस क्या होता है, एक्टिव आउटलेट्स क्या होते हैं, बिल्ड अनबिल्ड आउटलेट्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे फनल। ये जो इफेक्टिव कवरेज का फनल है ना, सबसे पहले आता है आउटलेट बेस प्लस न्यू आउटलेट्स। मानो हम सितंबर में हैं और हमारे पास 100 आउटलेट हैं, और इसी महीने में चलते चलते 10 आउटलेट और ऐड हो गए हैं, तो टोटल हमारा आउटलेट बेस हो जाएगा 110। ठीक है, तो हमारे 110 आउटलेट हो गए हैं। उसके बाद उसमें से कुछ आउटलेट ऐसे होंगे जो बिल हो रहे हैं, तो वो उनको एक्टिव आउटलेट बोलेंगे। हमने एक्टिव आउटलेट की डेफिनेशन समझी है, जिसमें कम से कम एक बिलिंग हुई हो पिछले 3 महीनों में, तो ऐसे आउटलेट समझो 75 हैं 110 में से। तो 75 आउटलेट हो गए एक्टिव आउटलेट। उसके बाद आते हैं उन 75 में से वो आउटलेट होंगे जिनकी कम से कम एक बार बिलिंग इस महीने हुई हो, वो होते हैं इफेक्टिव कवरेज आउटलेट्स। तो 75 आउटलेट हैं एक्टिव, उनमें से 85 आउटलेट हैं जो कम से कम एक बार बिलिंग हुई हो इस महीने। तो हमारा इफेक्टिव कवरेज कितना हुआ? टोटल आउटलेट बेस तो हमारा 110 है, इफेक्टिव कवरेज आउटलेट हुए 50, तो
परसेंटेज कितनी हुई, 50 डिवाइडेड बाय 110, दैट इज 45.45%। तो ये हमारा इफेक्टिव कवरेज कैलकुलेट करने का तरीका है। इसको हम और अच्छी तरह जानेंगे एक्सेल शीट में। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास 100 आउटलेट हैं या 1000 आउटलेट हैं तो उनको कैलकुलेट कैसे करना है। मैनुअली यहाँ तो हमने कर लिया है कि यार 50 डिवाइडेड बाय 110, हमें पता चल रहा है कि यार इफेक्टिव 50 है। लेकिन अगर हमारे पास 1000 आउटलेट हैं, हम एक एक करके तो कैलकुलेट नहीं करेंगे कौन सा आउटलेट हमारा बिलिंग हो रही है कौन सी नहीं हो रही है, या तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हो। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम उसको एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं एक्सेल शीट, इस एक्सेल शीट में एक टेबल बनी हुई है। इसमें 10 आउटलेट्स दिखा रखे हैं। ये अप्रैल महीने का डेटा है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। इसमें हर वीक का डेटा दिया है, कितनी सेल हुई है, कहीं 0 हुई है, कहीं 200 हुई है, कहीं 250 हुई है। ऐसे 10 आउटलेट का डेटा है। यदि 10 आउटलेट की जगह 100 आउटलेट होते हैं, या 150 या 500 या 1000 आउटलेट्स होते तो कैलकुलेट करना कि कौन कौन से आउटलेट बिल्ड हुए हैं बड़ा मुश्किल है। अभी तो क्या है कि 10 आउटलेट इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 आउटलेट एक ना एक बार बिल हुए हैं, तो इसमें बड़ा आसान है। अगर हमें काफी ज्यादा आउटलेट्स के बारे में करना हो पता, तो पहले तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। इससे मेरे को काफी आइडिया लग जाता है कौन कौन से आउटलेट बिल्ड हुए हैं। कलर स्केल में मैंने बस एक सिंपल लगा लिया, इसमें मुझे ओवरव्यू दिख गया है कि यार ये 5 आउटलेट है। लेकिन अगर 1000 आउटलेट है तो मैं एक इफ फंक्शन लगाऊंगा, इफ लूप लगाऊंगा। इसमें क्या होगा इफ लूप में, कि अगर इन चारों सेल्स वीक 1 से वीक 4 का सम 0 से ज्यादा है तो आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। इफ सम ऑफ वीक 1 टू वीक 4 इज ग्रेटर देन 0 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज 0, पैरेंथेसिस क्लोज्ड, तो आ गया 1। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। जितने भी आउटलेट्स हैं 100, 1000, इस केस में 10 है तो 10 के लिए मैं कर देता हूँ। ये हो गया बिल्ड आउटलेट्स। अगर मैं इसका सम लेना चाहूँ कितने मेरे बिल्ड आउटलेट्स हैं, तो ये टोटल 5 हो गए जो हमने पहले निकाल लिया था। अब ऐसे ही अनबिल्ड आउटलेट्स हम निकाल सकते हैं, वो सिंपल 1 माइनस बिल्ड आउटलेट्स होगा। जो बिल्ड है वो अनबिल्ड है, तो एक तरह से बाइनरी में वर्क करेगा। और इसका भी सम 5 आएगा, ठीक है। तो अब हमें इसका इको निकालना है। इको होता क्या है, इको हमें कैलकुलेट किया है जितने भी बिल्ड आउटलेट्स है, बिल्ड आउटलेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स। टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स हमारे 10 है, तो ये इको आ गया। परसेंटेज में कैलकुलेट होती है हमेशा इको, तो ये 50% है इस केस में। और इसकी अगर हमें प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी हो, प्रोडक्टिविटी सिंपल नंबर ऑफ बिल्ड आउटलेट्स, तो इसकी 5 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये अप्रैल महीने का है, ऐसे ही हमें पूरे क्वार्टर का करना है, अप्रैल, मई, जून। इसकी मैंने बड़ी सिंपल शीट बना रखी है। पहले मैं आपको ये पूरी शीट समझा देता हूं। इसमें अप्रैल में 10 आउटलेट्स हैं जो हमने पहले अभी समझा है, वही सेम डेटा है अप्रैल का। फिर मई में 2 आउटलेट्स ऐड हुए, न्यू एडिशन है, 2 नए आउटलेट कोई उस वाले रूट में ऐड हुए हैं, के और एल, तो उनका डेटा है ये। थर्ड महीने में जून में MNO 3 आउटलेट्स ऐड हुए हैं, तो टोटल हमारे इस केस में 5 आउटलेट्स ऐड हुए हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले केस में अप्रैल महीने में हमारा आउटलेट बेस क्या है, 10, हमारे 10 आउटलेट है। न्यू आउटलेट्स कोई ओपन हुए इस महीने में, नहीं, तो 0 हो गया। तो बिल्ड आउटलेट्स कितने हुए, बिल्ड आउटलेट्स हमारे हो गए 5। अनबिल्ड आउटलेट कितने हुए, 5। प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी, प्रोडक्टिविटी वही होगी जितने बिल्ड आउटलेट्स हैं, वो हो गया 5। इफेक्टिव कवरेज हो गया बिल्ड आउटलेट्स डिवाइडेड बाय आउटलेट नंबर ऑफ आउटलेट्स, तो इसमें आउटलेट बेस है, तो ये हो गया 50%।
ऐसे ही हम इस केस में निकालेंगे मई महीने में आउटलेट बेस कितना हो गया, आउटलेट बेस हो गया पिछले आउटलेट नंबर ऑफ आउटलेट बेस प्लस न्यू आउटलेट ओपन, तो 10 ही हुआ। न्यू आउटलेट्स कितने ओपन हुए, दो। बिल्ड आउटलेट्स कितने हुए, एक दो तीन चार पांच। ये ऐसे ही कैलकुलेट होगा पिछले केस में जैसे मैंने किया था, इफ सम ऑफ ऑल द सेल्स इज ग्रेटर देन जीरो देन वन, तो ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अभी मैंने मैनुअली कर लिया ऐड। और अनबिल्ड कितने हुए, सेवन। प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, इक्वल टू बिल्ड आउटलेट विच इज फाइव। इफेक्टिव कवरेज कितना होगा, बिल्ड आउटलेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ आउटलेट बेस एंड न्यू आउटलेट्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा इफेक्टिव कवरेज हो गया 41.7%। ये 50% से कम होके 41.7 हो गया। अब हम आ जाते हैं जून महीने में, इसमें आउटलेट बेस कितना होगा, हमारा आउटलेट बेस होगा जितना पहले था, सम ऑफ आउटलेट बेस 10 प्लस 2 प्लस, अभी हमारे तीन ऐड हुए हैं। अच्छा नहीं, वो नीचे आउटलेट ओपन में आ जाएगा। आउटलेट बेस हो गया हमारा 12, न्यू आउटलेट्स कितने ओपन हुए, तीन। बिल्ड आउटलेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, इस केस में भी 5 आउटलेट्स हैं बिल्ड। अनबिल्ड कितने हो गए, 10। प्रोडक्टिविटी बिल्ड आउटलेट्स की इक्वल होगी तो इसका हो गया 5। इफेक्टिव कवरेज कितना होगा, बिल्ड आउटलेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ आउटलेट्स, तो हमारा इफेक्टिव कवरेज 33.3% हो गया है। तो अगर आप देखेंगे इस डेटा में, इफेक्टिव कवरेज 50% से 41.7 फिर 33.3% हो गया है। जितने भी हमने आउटलेट्स ऐड करे हैं, टोटल इफेक्टिव कवरेज रिड्यूस ही हुआ है। जरूरी नहीं है कि ऐड होंगे तो इफेक्टिव कवरेज रिड्यूस होगा। इस केस में क्या हो रहा है हमारे कि आउटलेट्स तो ऐड हो रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी सेम हो रही है 5 5 5। अगर हमारे आउटलेट्स भी ऐड होंगे और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो हमारे इफेक्टिव कवरेज बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिव कवरेज बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि यार कितने आउटलेट्स हमारे बिल हो रहे हैं। इफेक्टिव कवरेज से हमें ये पता चल रहा है कि उस मार्केट में इफेक्टिवली कितने आउटलेट्स पे हमारा ऑर्डर जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा इफेक्टिव कवरेज के बारे में। अब इसमें एक और चीज है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन से आउटलेट्स हैं जिसमें कभी बिलिंग हुई नहीं है। तो पहले मैं एक बार ना सम लगा देता हूं पूरे डेटा पे। अब ये 15 जो आउटलेट है ना, इनकी टोटल सम, जैसे आउटलेट ए है अप्रैल मई जून, इसने टोटल 450 का सेल किया है। आउटलेट बी एस ने 0, आउटलेट सी 350। तो अब हमें इसमें वो आउटलेट सिलेक्ट करने हैं जिनका सेल 0 है। तो मैंने ये फिल्टर डाल दिया है, तो हमारा आउटलेट बी जी आई जे और एन, ये पांच आउटलेट हैं जिनमें 0 हुआ है, एक बार भी सेल नहीं हुई है। इनमें से एन तो नया आउटलेट है तो इसको एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ये बाद अगले महीने हम चेक करेंगे क्या दिक्कत आ रही है। अभी के लिए हमें ये देखना है बी जी आई जे, ये जो आउटलेट्स हैं ये क्यों हमारे सेल नहीं दे रहे हैं। या तो कोई हमारी पेमेंट की इशू है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इनकी डिस्क्रिपेंसी है, तो हमें ये चेक करना है। और अगर हमें लगता है कि ये आउटलेट बंद हो गए हैं, या फिर अगर बंद नहीं भी हुए हैं और ये आउटलेट हमारे यूजफुल नहीं आगे के लिए, तो हमें बीट से हटाना है तो हम हटा सकते हैं। क्योंकि हटाने से फायदा क्या होगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी परसेंटेज बढ़ेगी, लेकिन हटाने को ऐसे नहीं कि हटा दिया, एक लॉजिक होना चाहिए। अगर लगता है कि वाकई में वहां से सेल नहीं आएगी तो हटाओ, ये एक एक्शन लिया जाएगा, एएसएम या फिर आपकी कंपनी वाले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस काफी पसंद आती हैं, अगर एफएमसीजी के बारे में समझना है या एफएमसीजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में समझना है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता हूँ एफएमसीजी एनालिटिक्स से रिलेटेड। Thank you again.